Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the current affairs of Jammu and Kashmir for the second week of August 2021. So if you haven't subscribed to the channel, please do so and share it with your friends so that you get this notification as and when we post this video. So let's see, second week of August 2021 mein kya kuch important hua hai? UT heralds purple revolution. सो जम्मू एंड कश्मीर में पर्पल रेवोल्यूशन लाया जा सकता है. दिस इज सेट बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह. सो व्हाट इज पर्पल रेवोल्यूशन? जैसे ये जो रेवोल्यूशंस हैं, दीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे हम टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन यूज करते हैं फॉर फूड ग्रेन्स, उसी तरह हम व्हाइट रेवोल्यूशन यूज करते हैं मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. सिमिलरली पर्पल रेवोल्यूशन इज यूज फॉर लेवेंडर कल्टिवेशन. तो जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर कल्टिवेशन जो है वो बहुत अच्छे से होती है. सो इंडिया कैन टेक अ लीड इन लेवेंडर कल्टिवेशन. और ये पर्टिकुलरली किस मिशन की बात हो रही है? इट इज द अरोमा मिशन. अरोमा मिशन, अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस. सो अरोमा मिशन का मेन पर्पज है, जो परफ्यूम इंडस्ट्री है या जो यू कैन से परफ्यूम्स या फिर अरोमा से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगरबत्ती, धूप या फिर परफ्यूम्स या फिर इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के लिए एक हब बन सकता है जम्मू एंड कश्मीर, वेयर लेवेंडर कल्टिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड. तो अरोमा मिशन बाय द गवर्नमेंट. और इसके तहत अब तक जो लेवेंडर कल्टिवेशन है वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है और इसको और बढ़ाया जा सकता है. कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली ये होती है? कठुआ, उधमपुर, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाड़ा, बंदीपोरा, बुडगाम, गंदरबल, अनंतनाग, कुलगाम और बारामुल्ला. इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो लेवेंडर कल्टीवेशन है या अरोमा मिशन है उसने काफ़ी अच्छे से काम किया है. सो ये जो अरोमा मिशन है, इट इज़ बींग रन बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द अरोमा मिशन? इट इज़ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. सो अरोमा मिशन को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक फायदा ये होगा दैट द टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टिवेशन. तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन प्रॉस्पर. सिमिलरली द इकोलॉजी विल प्रॉस्पर, क्योंकि इसमें कोई पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं बल्कि सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं. सो इट इज़ अ एनवायरमेंटली यू नो पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव वन. इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है. देन जनरेटिंग न्यू एवेन्यूज ऑफ सेल्फ लाइवलीहुड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ लाइवलीहुड इससे बढ़ेगा. बिकॉज द गवर्नमेंट विल गिव अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स फॉर दोज फार्मर्स हु गिव देयर लैंड और हु अग्री टू ग्रो दोज पर्टिकुलर फ्लावर्स और क्रॉप्स अंडर द अरोमा मिशन. तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है, यूटी गवर्नमेंट का, कि लेवेंडर कल्टिवेशन में अरोमा मिशन के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को लाया जाए ताकि इंडिया भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन सके और पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो लाया जा सके. राइट, दिस इज व्हाट पर्पल रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट, ASI और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस gets India's highest peacetime gallantry award, Ashok Chakra. This is an important news, क्योंकि ये बहुत rare होता है कि किसी को highest gallantry award दिया जाए. तो highest peacetime gallantry award, यानी कि जब war नहीं चल रही हो, the peacetime highest gallantry award is Ashok Chakra, जो कि इन्हें दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है basically. और highest wartime gallantry award, highest wartime gallantry award is Paramveer Chakra.
परमवीर चक्र. सो दिस इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड. तो देखते हैं अशोक चक्र किन्हें किन्हें दिया गया है. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम एंड कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट, इन दोनों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि इन दोनों की शहादत हो चुकी है, बोथ ऑफ देम हैव बीन मार्टर्ड, तो इन दोनों को अशोक चक्र जो है वो अशोक चक्र जो है वो सिर्फ बाबूराम जी को दिया गया है. और कीर्ति चक्र जो कि सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है, इट हैज बीन गिवन टू कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट. सो अशोक चक्र इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर एंड कीर्ति चक्र इज द सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, राइट. सो अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र रिस्पेक्टिवली. तो इन टोटल 144 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, जिनमें से ये दो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में दिए गए हैं. सो एएसआई बाबूराम बेसिकली, जिन्हें की अशोक चक्र दिया गया है, ही लेड वेरियस एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस इन द स्टेट और इन्हें 14 एनकाउंटर्स में हिस्सा लिया जिसमें कि 28 टेररिस्ट को इन्होंने मार गिराया, इसलिए इन्हें ये दिया गया है. और फाइनली इनकी जो शहादत है वो भी एक टेररिस्ट एनकाउंटर में ही हुई. सेकेंडली, जो कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट थे, ही किल्ड द टेररिस्ट एंड ही सेव द लाइफ ऑफ द प्रोटेक्टी. बेसिकली ही वॉज इन टू सम VIP प्रोटेक्शन, तो ये जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो इन्होंने अपनी जान पर खेलकर टेररिस्ट को मार गिराया, लेकिन इस प्रोसेस में ये खुद भी शहीद हो गए एंड ही प्रोटेक्टेड द लाइफ ऑफ द प्रोटेक्टी. तो इसलिए इन्हें भी जो कीर्ति चक्र है वो दिया गया है. सो दीज द नेम्स ऑफ दीज अवार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. दीज आर गैलेंट्री अवार्ड्स एंड दीज आर नॉट टाइटल्स. दिस इज अ डाउट आई गेट मेनी टाइम्स इन कॉमेंट्स कि क्या ये अवार्ड्स टाइटल्स होते हैं. These are not titles under the meaning of titles under Article 18 of the Constitution of India. No, they are not. So, Constitution of India mein Article 18 jo hai, it prohibits titles. A fundamental right hai that you cannot use your title. Lekin isme do exemptions hain. One are your military titles. You can use your military titles in front of your name. Say you are a colonel. You can use the title colonel in front of your name. सिमिलरली, अगर आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, जैसे कि कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, यू कैन यूज दैट द नेम ऑफ दैट अवार्ड एज अ सफिक्स टू योर नेम. जैसे बहुत सारे जो टॉप जर्नल्स होते हैं, जैसे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, दे यूज दिस टाइटल दैट लेफ्टिनेंट जनरल सो एंड सो AVSM BSM, दैट मीन्स अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल. सो मिलिट्री टाइटल्स कैन बी यूज एंड सेकेंडली एकेडेमिक टाइटल्स कैन ऑल्सो बी यूज. एकेडेमिक टाइटल्स यानी कि जैसे कि डॉक्टर, आर्किटेक्ट, देन CA, IAS, PCS, दिस टाइप ऑफ टाइटल्स कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ योर नेम. और लॉजिक ये है कि ये दोनों ही टाइटल्स जो हैं ये मेरिट से अर्न किए जाते हैं. दिस टाइटल्स आर अर्न थ्रू मेरिट, दैट इज द रीजन दे आर अलाउड टू बी यूज. तो कौन से टाइटल्स हैं जो बैन किए गए थे आर्टिकल 18 के अंदर? जनरली द हेरिडिटरी टाइटल्स, हेरिडिटरी एंड रॉयल टाइटल्स, जैसे कि राजा, महाराजा, रानी, महारानी, दिस टाइप ऑफ टाइटल्स कैन नॉट बी यूज इन फ्रंट ऑफ द नेम. देन राय बहादुर, दिस ऑल्सो वॉज अ टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश, राय साहब. सो दीज आर द टाइटल्स दैट शोड डिविजन इन द सोसाइटी एट दैट टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. तो इसलिए इस तरह के टाइटल्स जो लोग यूज करते थे वो जनरली बहुत हाई ऑर्डर के माने जाते थे सोसाइटी में. तो उससे एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन, कैटेगराइजेशन आ जाती थी सोसाइटी में. तो इसलिए इस तरह के टाइटल्स को बैन किया गया जिनके लिए किसी मेरिट की जरूरत नहीं है, जो आपको जन्म से ही मिल जाएंगे. तो जो टाइटल्स अलाउ किए गए हैं दे आर मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडेमिक डिस्टिंक्शंस दैट यू कैन यूज विद योर नेम बिकॉज द पर्सन कंसर्न्ड हैज अर्नड दैट थ्रू हिज और हर मेरिट एंड हार्डवर्क. राइट, सो अंडर आर्टिकल 18 ये जो अशोक चक्र और कीर्ति चक्र है ये फॉल नहीं करते हैं. सो दीज टाइटल्स विल ऑलवेज बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ दीज टू मार्टर्स. सो दैट इज इट दैट वी हैड टू कवर इन दिस वीक्स करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.